A very good morning to all of you. Welcome to your next session. So today we are going to study nutrition in detail. अभी तक हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लासेस में, न्यूट्रिशन और रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये लाइफ प्रोसेस के चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे जिसको हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था. लेकिन आज हम न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. आज से हम न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर रहे हैं. तो हम एक बार वापस से न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने. तो अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एट एन ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस कॉमनली नोन एज न्यूट्रिशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से फूड को लेते हैं अपनी बॉडी में, उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम अपनी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. अगर हम आम भाषा में बात करें, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड व्हिच द फूड व्हिच वी हैव ईटन हैज रिच्ड इज हैज फुलफिल्ड विद द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज गिवन अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी. ठीक है, तो क्या होता है न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या करते हैं हम फूड को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, और वो जो फूड हमने लिया अंदर वो क्या है, वो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारी एनर्जी है और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं अपनी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. तो ये हो गया न्यूट्रिशन. और एक चीज़ और कि न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस में हमने क्या बार बार हम किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में हम फूड को अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं. तो जब हमारी बॉडी में फूड जा रहा है तो उसका क्या काम है, मतलब क्यों हम बार बार फूड को इनटेक कर रहे हैं, फूड ही क्यों ले रहे हैं. तो ये चीज़ है, तो फूड जो हमारी बॉडी में जा रहा है उसमें क्या है, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है. तो वो एनर्जी क्या कर रही है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में टू मतलब हमारी बॉडी को ग्रो करने में, टू ग्रो, टू डेवलप, टू सिंथेसाइज प्रोटीन, अदर सब्सटेंसेस विच आवर बॉडी नीड्स. ठीक है, तो हमारी बॉडी को वो ग्रो करने में, डेवलप करने में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, और हमारी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, उनकी नीड को फुलफिल कर रही है. तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस. अब आगे बात करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. तो एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी, चाहे हम हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी और मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अपने अर्थ पे, उसको फूड और मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, सिंपल वे चूज़ करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड वे चूज़ करते हैं. तो सिंपल फूड जो ऑर्गेनिक सिंपल फूड चूज करते हैं वो कैसे करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज. अब इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब आपके कार्बन और हाइड्रोजन साथ में ना आए तो आपके इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं. तो जो सिंपल फूड होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज ऑब्टेन होता है. किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है, जैसे कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल फूड कौन से ऑर्गेनिज्म टेक करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो होते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स. ओके, तो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल में आ जाता है ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया. तो जो सिंपल फूड प्रिपेयर करते हैं किसके प्रेजेंस में, इनऑर्गेनिक सोर्सेज के. और इनऑर्गेनिक सोर्सेज में क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है. ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और दिस टाइप ऑफ फूड. तो दे आर, यू हैव टू आंसर, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे कम इन द ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये बात हो गई. तो नेक्स्ट अब हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की बात करेंगे. अभी तक हमने पढ़ा सिंपल फूड के बारे में, सिंपल फूड के बारे में, अब हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे. तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैविंग टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसमें क्या होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको क्या किया जाता है, सबसे पहले तो सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है. जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको सब सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, किस लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के लिए. तो ऐसा करने के लिए, टू अचीव दिस, ऑर्गेनिज्म यूज बाय कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम. तो ऐसा इस कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए और इस प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए, अचीव करने के लिए, पाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है. किसकी, एंजाइम की. ठीक है, तो अब एंजाइम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एंजाइम क्या करते हैं,
का तीन काम होता है मेनली। पहला क्या होता है, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। पहला क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या होता है, विदाउट बीइंग यूज्ड, ये किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना, यूज्ड हुए बिना किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सिंपल वन में तोड़ना। यहाँ पे हमें जिसकी नीड है इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। ये कौन करता है, ये आपका एंजाइम करता है। और इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें एंजाइम की जरूरत है। एम आई क्लियर? तो हम आगे नेक्स्ट